याज्ञवल्क जी आज बड़े प्रसन्न हुए। राम तत्व के विषय में पूछा और सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए, कथा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे भरद्वाज, राम कथा में वो सामर्थ्य है कि बड़े से बड़े संशय को भी क्षण भर में दूर कर सकती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहंग उड़ावनिहारी, संशय बिहंग उड़ावनिहारी, संशय जय सामर्थ्य है। हे भरद्वाज, संशय के पक्षी को चुटकियों में उड़ा देता है। दुनिया में कोई भी शंका हो मेरे भाई बहन, पढ़ो रामचरितमानस को, उठाओ इस ग्रंथ को और देखो बड़े से बड़े संशय का भी समाधान बाबा तुलसी ने मानस में रख दिया। हर समस्या का समाधान मन में कभी कोई बहुत संशय हो तो रामचरित मानस में ढूंढो, हर संशय का समाधान बाबा तुलसी ने इसमें रखा है। जो दुनिया में कहीं भी नहीं है ना, वो रामचरित मानस में, और जो रामचरित मानस में नहीं है वो दुनिया में कहीं भी नहीं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जो रामायण में नहीं है वो दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता है, और जो कहीं भी नहीं है वह रामायण में। संशय विहंग उड़ावनिहारी, ऐसा सदग्रंथ है प्यारे, कभी पढ़कर तो देखो। हर समस्या का समाधान रामायण में। एक बार मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में राज्यपाल महोदय के बंगले पर बैठा था, तो वहां कोई बहुत समय पहले की बात है, तो बहुत सारे आईएएस आईपीएस वहां अधिकारी लोग बैठे थे और बड़े बड़े जज और एडवोकेट्स, तो उन्होंने अपने अपने ढंग से प्रश्न शुरू किया। कोई कानून वाले प्रश्न, कोई आईपीएस वाले, कोई ऐसे ऐसे सबने प्रश्न शुरू किया। तो भाई मुझे तो इतना ये दुनिया वाली पढ़ाई तो मैंने पढ़ा नहीं है,
लेकिन उन्होंने इतने भाव से प्रश्न किया कि जवाब तो देना था, तो मैंने सारे प्रश्नों का समाधान श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से और रामायण के माध्यम से दिया। तो उन सबको आश्चर्य हुआ कि बापू आपको इस प्रश्न का उत्तर कैसे पता, ये तो कानून की किताबों में लिखा है। मैंने कहा तुम्हारे कानून के किताबों में जो लिखा है वही हमारी रामायण में लिखा है और वही भगवद गीता में लिखा है, ये सारा का सारा ज्ञान यहीं से तो निकलता है, सब कुछ है रामायण में, जिस दृष्टि से जिस भाव से पढ़ा जाए रामायण हर समस्या का समाधान। जब शोक मोह से गिर जाए शोक मोह से गिर जाए, जब शोक मोह से गिर जाए, जब शोक मोह से गिर जाए, जब शोक मोह से गिर जाए, तब गीता वचन हृदय युग युग का अनुभव भरा हुआ, युग युग का अनुभव भरा हुआ, युग युग का अनुभव भरा हुआ, युग युग का अनुभव मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान युगों का अनुभव ऐसे ऐसे महान ग्रंथों में भरा हुआ है सा। हर संशय का समाधान, हर प्रश्न का उत्तर रामचरितमानस में, श्रीमद् भगवद गीता में, कभी पढ़ो अनुभव करो सा, उठाकर देखा जाए इन ग्रंथों को। कहा याज्ञवल्क ऋषि ने कि हे भरद्वाज, मैं तुम्हें एक ऐसी घटना का जिक्र सुनाता हूं जहां इसी से रिलेटेड प्रश्न किए गए। ऐसा ही प्रश्न एक बार भवानी ने शिव से किया था, तो शिव ने उसका जो उत्तर दिया है वो मैं आपको बता रहा हूं। और अब याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज को प्रार्थना किया कि अब मैं जो चरित्र गाने जा रहा हूं भरद्वाज, अपने मन को प्रभु चरणों में लगा लो, क्योंकि कथा में मन का बहुत महत्व होता है।
तन से कुछ भी करते रहो लेकिन मन प्रभु के चरणों में हो, ध्यान प्रभु के चरणों में। कई बार जब कथाएं बाहर होती है तो मैंने माताओं को देखा है कि कई कई माताएं सर्दियों में स्वेटर बुनती रहती हैं और कथा सुनती रहती है, हाथ में वो स्वेटर चलता रहता है। तो मैंने एक माता को पूछा कि तेरे हाथ में तो ये सब चलता रहता तो कथा कैसे सुनती है? तो उसने बहुत प्यारा जिक्र किया कि बापू हाथ से ये सब चल रहा है ना लेकिन मन वहां है, हाथ जरूर इधर उधर लेकिन मन वहां है। तो शरीर से ज्यादा महत्व मन का होता है। कई कई महात्मा लोग माला जपते रहते हैं और ध्यान प्रभु के चरणों में होता है। माला जरूर हिल रही है लेकिन मन नहीं हिलता है, मन तो केवल ठाकुर के चरणों में स्थिर है, ध्यान प्रभु के चरणों में। तो कहा याज्ञवल्क ऋषि ने कि हे भरद्वाज अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ। जब तक मन प्रभु के चरणों में नहीं है तब तक गोकुल बहुत दूर है सा। हाँ, मन प्रभु के चरणों में नहीं है गोकुल बहुत दूर है, इसलिए मन प्रभु चरणों में लगाओ। शरीर से क्रिया कुछ भी चले मन प्रभु के चरणों में हो। हाँ, जैसे मोटर कार में जो पहिए होते हैं, मोटर कार चलती है तो वो पहिए भी चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन वह पहिया जिस पर घूम रहा है वह जो धुरी है वो एक जगह स्थिर होती है, पहिया चारों तरफ घूमता रहता है लेकिन घुमाने वाला जो धुरी है जो वो एक जगह स्थिर होती है। शरीर घूमता रहे मन स्थिर होना चाहिए। देखो संसारियों का तन स्थिर होता है, मन घूमता रहता है। हाँ, और परिणाम क्या होता है? तन स्थिर होता है ना तो धीरे धीरे तन में विकृति आती है, पेट बड़ा होने लगता है, शरीर बड़ा होने लगता है, मोटा होने लगा और कई सारी बीमारी। आयुर्वेद कहता है कि तन को जितना घुमाओगे तन उतना स्वस्थ रहेगा और मन को जितना रोकोगे मन उतना स्वस्थ रहेगा। संसारियों का तन स्थिर होता है और मन घूमता है, और संतों का तन घूमता रहता है लेकिन मन स्थिर होता है। साधु लोग चलते रहते हैं, चरैवेति चलते रहते हैं, कभी प्रयाग, कभी काशी, कभी हरिद्वार, कभी अवंतिका, कभी उज्जैन, कभी कहीं घूमते रहते हैं महात्मा लोग। हाँ, चलते रहते हैं नदी की धारा की तरह, कभी यहां कभी वहां कभी वहां घूमते रहते हैं। तन घूमता रहता है लेकिन मन एक ठाकुर के चरणों से जुड़ा रहता है, मन वहां, मन का कनेक्शन केवल वहां। रामायण ये कहती है, राम कथा ये कहती है कि तन को घुमाओ लेकिन मन को रोको, जितना हो सके तन को चलते फिरते घुमाते रहो। शरीर को आराम नहीं देना है, मन को आराम देना है। और जब से ये नियम बदल गया ना कि तन स्थिर है मन घूम रहा, तब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, बहुत सारी बीमारियां, न चाहने वाली भी बीमारियां हमारे अंदर आने लग गई। हाँ, पहले के जमाने में देखो तन घूमता रहता था, लोग कितनी मेहनत करते थे, कितना कामधाम करते थे, कोई शुगर नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई बीपी की शिकायत नहीं। हाँ, और डिप्रेशन वाली बीमारी तो भारत में थी ही नहीं साहब, कुछ करते हैं नहीं, पड़े पड़े बोर हो रहे तो डिप्रेशन में जा रहे। हाँ, अब कुछ करना ही नहीं, काम ही नहीं है, नौकर चाकर लगे हैं, हर काम करने के लिए आदमी लगे और तेरे पास कोई काम ही नहीं बचा तो फिर करोगे क्या? फिर तो डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। इसलिए तन को घुमाते रहो, कहीं ना कहीं तन को लगाए रहो लेकिन मन का कनेक्शन केवल और केवल गोविंद के चरणों में।
सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।